चेतना के गहरे तलों पर पहुंचने का अभ्यास करना और गहनतम तल पर पहुंच जाना अपने मूल स्वरूप को पा लेना है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि परमात्मा या मोक्ष या परम आनंद कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है कि वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है, उसे पाना है। वो तो तुम्हें मिला ही हुआ है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ उसका स्मरण कर लेना है, उसके स्मरण का विज्ञान समझ लेना है, उसके स्मरण की कला सीख लेनी है। और इस स्मरण की कला का सार क्या है कि अपनी चेतना को गहरे से गहरे तलों पर ले जाने का अभ्यास करना। और इसका उपाय क्या है, गहन शांति में उतर जाना। दूसरे शब्दों में 24 घंटे में एकाध घंटे का समय ऐसे निकाल लेना जब आप सिर्फ शांतिपूर्वक बैठे हैं या लेटे हैं, परम शांति में हैं, सिर्फ साक्षी हो गए हैं। गहरे से गहरे अपने चेतना के तल पर, गहरे से गहरे अपने मन के तल पर, समस्ती अचेतन के तल पर पहुंचने की विधि क्या है? एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप सब लोग समग्र विश्राम की अवस्था में हो जाएं, जहाँ हैं वहीं पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में हो जाएं। विश्राम का अर्थ है सुख पूर्वक बैठ जाएं, ना तो शरीर से कुछ करें, ना ही मन से कुछ करें। जब ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना ही मन से कुछ कर रहे हैं, उस कुछ ना करने की अवस्था में होना ही परम विश्राम की अवस्था में होना। और उस परम विश्राम की अवस्था में होने से आप चेतना के गहरे से गहरे और फिर परम गहरे तल पर पहुंचने लगते हैं। इसी को कहते हैं ध्यान की अवस्था में होना। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता या गुरु या भगवान की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। ध्यान का अर्थ कुछ ना करने की अवस्था में हो जाना। मूल स्वरूप को प्राप्त करने की जब आप चेष्टा करते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ ना करने की अवस्था में होने का अभ्यास करना है। 24 घंटे में एक घंटा, 23 घंटे तो आप सारे उपद्रव करते ही रहते हो, करो खूब। मैं आपके ऊपर कुछ करने और कुछ ना करने, ऐसा करो वैसा ना करो, ऐसे कोई नियम नहीं लादना चाहता हूँ। मैं कोई ईसाइयों की 10 कमांडमेंट्स या यहूदियों की 10 आज्ञाएं आपको नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक काम करने को कहता हूँ। आप 24 घंटे में सिर्फ एक घंटे समग्र विश्राम में होने का अभ्यास करें। और यह एक घंटे जो आप समग्र विश्राम में होने का अभ्यास करेंगे, उसी को हम ध्यान कहते हैं। उसी को संजीवनी क्रिया के माध्यम से मैंने आपको उपलब्ध कराया है, गहनता से अपने भीतर प्रवेश करने का विज्ञान, अपने भीतर प्रवेश करने की कला आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।